Hi, I'm Archana Puran Singh and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ अलाउद्दीन जी आपसे नवाजुद्दीन बड़े हैं क्या छोटे नवाजुद्दीन कहाँ से आ गए गैंग्स ऑफ वसेपुर से अरे दीदी मजाक छोड़ो मुझे ना भूख लगी थोड़ा खाना बना दो प्लीज मारू तेरे मुंह पे एक थप्पड़ बार बार तेरे लिए खाना बनाऊं बार बार तेरे जीजे को मैं बाप बनाऊं ज्यादा गुस्सा चढ़ाया ना तो एक मुक्का भी बना दूंगी समझी क्या देख रही है पानी लेकर आ मेरे लिए अच्छा अच्छा जा यहाँ से लाली पानी लाली लेके आ हेलो आलिया हेलो फ्रूट वगैरह खा लिया चाय पानी पी लिया बहुत सारी फिल्मों में पैसा कमा लिया सब उजाड़ दिया कि थोड़ा सा बचा लिया माइक ड्रॉप भाभी ये क्या खा लिया पी लिया बचा लिया लगा रखा तुमने सुन लिया आलिया जी आप कितनी प्यारी लग रही है ऐसा लग रहा है कोई मोमोज पड़ा हुआ है हाँ जी ऐसे लग रहा है मैं चटनी डाल के खा जाऊँ आप नहीं नहीं ओ देखो मेरा पानी आ गया लाओ बेटा जल्दी बड़ा पानी लो थैंक यू पियो पियो बस मेरा भर गया भाभी आपकी बहन का भूत उतारा जरा इसको रैप करने का भूत चढ़ा हुआ है इसको देवर जी आप ना मुंह संभाल के बात किया करो सब देखो मेरी बहन के पीछे पड़े रहते हैं इसने क्या किया ऐसे हैं आप मेरे को एक बताओ इसमें बुराई क्या है बताओ बताना मत मेरी हंसी निकल जाएगी आप भी शुरू हो गई सबके सामने मेरे को नहीं ले 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 मेरी छोटी जी बहन नाराज होगी हाँ मैं अपनी बहन को छूटा दूँ ले 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 अरे मेरी बहन ले ले नाराज हो गया था ले 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 क्या हुआ कुछ नहीं मैं ठीक हूँ तुझे रैप गाना ना नहीं नहीं करना मेरी बहन को रैप गाना पाजी आज हम बॉम्बे वालों को बता देंगे क्योंकि ये तो रैप करते हैं ना हमारे पंजाब में क्या करते हैं चलो फिर भूरी चलते हैं हम ऑल द बेस्ट आपको गली बोले के लिए ओ माय गॉड देवर जी ऐसे लड़के कहाँ से बनते कौन सी फैक्ट्री से सिक्स पैक कितनी अच्छी स्किन ऐसी मुझे 5 मीटर मंगवा दो ना कितनी अच्छी स्किन है अरे छोड़ ना क्यों ऐसे वो शादीशुदा है दीदी ऐसे नहीं करते पता है मुझे वो शादीशुदा है ये भी शादीशुदा फिर भी लगे रहते हैं सच में यार मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मैंने ना जल्दी शादी कर ली चलो कोई बात नहीं जिसका कोई नहीं होता ना उसका फिर कोई भी नहीं होता चलो दीदी बहुत हो गया मेरे को 5 मिनट मंगवा देना पप्पी अच्छा गली बॉय की टैगलाइन जो है वो है अपना टाइम आएगा आप दोनों का तो टाइम आ चुका है धड़ाधड़ बैक टू बैक सुपर डुपर ब्लॉक पर सिस्टम में दे रहे हैं इसमें रणवीर कहते हैं कि अपना टाइम आएगा उसमें रैप भी गाते हैं बड़ा अच्छा इंस्पायरिंग जो है ये रैप है कि अपना टाइम आएगा हार कभी नहीं मानना लगे रहने का तो आप इस पर अपने विचार व्यक्त करें जिंदगी में हर किसी ने कहीं कभी ना कभी कभी मुश्किल टाइम आया होगा जी किसी ना किसी ने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया होगा बिल्कुल बड़े से बड़ा आदमी छोटे से छोटा आदमी सब किसी की लाइफ में कभी अच्छा दौर आता है कभी अप्स जाते हैं दैट इज लाइफ अप्स डाउन उतार चढ़ाव मुश्किलात जब आती हैं तो बस अपने आप को बोलो अपने आप पर विश्वास रखो और अपने आप को कहो कि तू इससे हार्ड है तू अपने आप में विश्वास कर और तेरा टाइम आएगा क्या बात तात्पर्य ये निकलता है हिंदी बड़ी प्योर हो गई मेरी कि हार्डवर्क जो है मेहनत का कोई ऑल्टरनेट नहीं है लगे रहो कभी ना कभी टाइम आएगा मैं यहाँ पे हमारे जितने भी दर्शक बैठे हैं मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोगों को इस बात पे विश्वास है कि उनका टाइम आएगा और उस टाइम के लिए वो क्या क्या एफर्ट्स कर रहे हैं अपने अपने विचार पेश करें हाय गली बॉय यो व्हाट्स अप मैन चिलिंग हेलो मेरे को भी करें सेम टू यू हाँ सो मेरा नाम आरव है और मुझे लगता है मेरा टाइम आ गया क्योंकि मेरे को रणवीर सिंह के साथ रैप करना है वो अपना टाइम आएगा पे आ जा मतलब इतना ये जो बोलना होता है इतना
इजी नहीं है ये, मतलब सांस टूट जाता है. आरव क्या करते हो आप, पढ़ाई करते हो अभी? हाँ. कौन सी क्लास में? एट्थ में. एट्थ में हो आप, वेरी गुड आरव, ऑल द बेस्ट ब्रदर. बाय बाय. और कोई हमारे दोस्त? यस भाई साहब, अगर बाल कटाने का टाइम आया. जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुमित यादव नाम है सर मेरा. सुमित यादव जी. सुमित कहाँ से आप? मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ, यहीं अच्छा पे रहता हूँ. तो क्या आपके विचार हैं इस मुद्दे के, अपना टाइम आएगा? सर इस बात का मुझे भरोसा है कि मेरा टाइम तो आना ही है, इस बात का पूरा भरोसा, क्योंकि मैंने जितनी मेहनत की उतनी तो मुझे नहीं लगता मेरी उम्र पे लोग करते हैं. तो आपने क्या वीटी स्टेशन बनाया? क्या मेहनत की? मेहनत बड़ी की है, मतलब अच्छी बात है, अच्छी बात है, आपने मेहनत की है तो अच्छा बोलना चाहिए. बता भैया क्या, तू बता ना क्या मेहनत. बाजी क्या है, बात है कि अगर आप मुझे एक मिनट अभी दे दो तो फिर आपको मेरी पूरे जिंदगी की मेहनत पता चल. अरे वाह, प्लीज प्लीज. सुपर, बहुत हार्ड, माइंड ब्लोइंग, जोरदार तालियां. फैबुलस यार, अमेजिंग. क्या बात है ब्रदर, क्या बात है, गॉड ब्लेस यू यार. आप तो मतलब आप बोल रहे मेरा टाइम आएगा, मुझे लगता है आपका आया हुआ, हम बता नहीं रहे किसी को. सुपर्ब है यार. सच बताऊं तो सर आपको देख के मैंने स्टैंड अप कॉमेडी से ही शुरुआत की थी. वाह. थोड़ी बहुत मिमिक्री करने लगा उसके बाद में. सर मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, मेरा अभी अगर मैं अगर आज सच बताऊं तो स्टेबल भी हूँ, हंस भी रहा हूँ, तो सर उसकी वजह है, क्योंकि तो स्वीट यार, सर आपके आपके शो को देखकर, पर कमाल टैलेंट है यार आपका. सर आपके शो को देख देख कर हमने ये सीखा कि आपके अगेंस्ट पूरी दुनिया भी चली जाए, लेकिन अगर आप सही हो तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता. लव यू, थैंक यू सर. आपकी परफॉर्मेंस ने दिल जीत लिया ब्रदर, ऑल द बेस्ट, छा जाओ दुनिया पे. जी और कोई हमारे दोस्त? जी पाजी. सत श्री अकाल सर. सत श्री अकाल सर. सत श्री अकाल जी. हाय सर. हाय मैम. अपना टाइम आएगा, इसका मैं जीता जानता उदाहरण हूँ. अच्छा जी. दो महीने पहले मैं कुछ 135 किलो का था. वाह. उसके बाद सर का पहले से बहुत बड़ा फैन हूँ. अभी लग नहीं रहे आप 135 किलो. नहीं अभी सर, मेरे ख्याल से 127 होगा आपका. सर 2 किलो ज्यादा बता दिया आपने बस. 125. दो महीने में 10 किलो कम किया है. अच्छा. और ना कोई जिम लगाया, ना सैर की, कुछ नहीं, खाली सर के ढांसू गानों पे दिन रात नाचता हूँ. एक्सरसाइज यार वो तो. इतना बड़ा फैन हूँ सर का कि आप सुबह 4 बजे उठा दो, मैं सुबह 4 बजे से लेकर अगले दिन 4 बजे तक नाचता रहूंगा. वाह. और सर के जो गाने आ रहे हैं उस हिसाब से मुझे लगता है कि 83 के रिलीज तक मेरे एब्स होंगे. वाह, अच्छी बात है. मैं सर के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेके आया था. पहले तो ये बता दो कौन से गानों पर डांस करता है. सर आप अपना कोई भी गाना बता दो, अगर हुक स्टेप मैंने मिस कर दिया मैं अभी शो से चला जाऊंगा. पाजी हुआ चैलेंज. ये चैलेंज है, चैलेंज चैलेंज चैलेंज. वाह, आ जा मैदान में भाई, दिखा भी दो क्या लेके आए लिफाफे में. ओ हाउ स्वीट, हाउ स्वीट, क्या बात है. ये खुद से की है? नहीं, एक फ्रेंड से बनवाया. मैं अभी तुझे क्रेडिट देने वाला था, शुक्र है तूने बता दिया. सर क्रेडिट क्रेडिट तो लिया जा सकता है, बट भगवान से झूठ नहीं बोला जा सकता. क्या बात है. बहुत अच्छी है पाजी, वेरी गुड. पाजी कैमरा पे भी दिखाओ दीपिका, ये देखिए कितना अच्छा स्केच बनाया आप दोनों का. पाजी फोटो तो देखने दो हमें. क्या बात है सानी साहब, बहुत बहुत नंबर लाला. वेरी नाइस, शुक्रिया सानी साहब. आइए और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब. सर मेरा नाम आकाश है. मैंने पूछा जी सर, सॉरी सॉरी. अच्छा आकाश, सूरत गुजरात से आया हूँ सर. अच्छा जी आकाश. और 3 साल से स्ट्रगलिंग कॉमेडी कर रहा हूँ सूरत में, ओपन माइक्स में जाता हूँ. ओके. और आप आइडल हैं सर हमारे. सो स्वीट, थैंक यू ब्रदर. सर आज आपको लाइव देख लिया, आपको परफॉर्म करते हुए देख लिया, तो सर अब मैं श्योर हो गया हूँ कि मेरा टाइम आ गया है सर. सो स्वीट, लव यू. एक चीज आपको दिखानी थी, उसके लिए सर स्टेज पे आना चाहूंगा. आइए प्लीज. ये देखो इनका गली बॉय का पोस्टर काट के ना मेरे फोटो पे आया, दिखाओ. क्या बात है, फनी बॉय. सो स्वीट, लव यू. यस ब्रदर. अरे यार ऐसे मत करो सर, सबसे पहले तो पाव पल्ला. क्या बात है, आपके करोड़ों फैन है सर.
मैं उसमें से एक छोटा सा फैन हूँ सर. मैंने इधर बैठो आप मेरे बड़ा मुझे प्यार आया. आप बैठिए बैठिए आराम से बैठो आराम से. सर मैंने मैं इधर बैठूंगा आप इनको भी देखो पहले हम बैठ के बातें करेंगे. देखो सर मैंने आपके नाम को मेरे जिंदगी में हमेशा के लिए जोड़ लिया है सर. सो स्वीट हैं. अरे बाप रे बाप. सर ये खुदवाया कि सर परमानेंट है सर. यार भाई प्यार है ये पर I respect your love for me. I love you, brother. पर ये थोड़ा ज़्यादा हो गया. God bless you. ये मिटेगा अब के नहीं? नहीं सर कभी नहीं मिटेगा. कल को तुम किसी और के फैन हो गए तो? नहीं सर अब होगा ही नहीं सर. एक कॉमेडियन हिंदुस्तान में एक कॉमेडियन आपके अलावा किसी का फैन नहीं है. Love you. God bless you. Thank you. अच्छा आपको पता है आलिया को गाने का शौक है लेकिन एक चीज हमें आपके बारे में पता चली आलिया. क्या? जब ये बहुत छोटी थी तो तब ये किसी पार्टी में जाती थी ना और जिस गाने पे डांस करना होता था वो सीडी घर से लेके जाती थी. इज इट ट्रू? हाँ वो मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे वो गाना होगा कि नहीं. मेरा टिपिकल वो हिंदी वाला गाना था और वहाँ पे जाके एंटरटेनमेंट अगर मुझे ना मिले तो मुझे एंटरटेन करना पड़ेगा. अच्छा ये बताओ कि कौन सा वाला गाना था? एवरीथिंग. आई डिड एवरीथिंग पॉसिबल. ऐसे कुछ करके दिखाओ. ऐसे नहीं अभी हम पार्टी में नहीं आए हैं. नहीं नहीं ये कपिल शर्मा शो है ये तो पार्टी है. थैंक यू. इसमें कोई शक नहीं है. तो आप तो एंटरटेनर हो. हाँ. आप एंटरटेन करो. मैं तो एंटरटेन ही कर पर मुझे पर मैं गाऊंगा. हाँ. आप वो वाला स्टेप कीजिएगा करिश्मा कपूर वाला. नहीं नहीं आप करिए. हाँ वैसे भी कभी कभी क्या होता है ना मुझ में करिश्मा चढ़ जाती है. तो ये दोनों ही मल्टी टैलेंटेड हैं. इस खूबसूरत फरमाइश के बाद आलिया और रणवीर के लिए जोरदार तालियां. उफ आलिया उफ. क्या गाती हैं आप. रियली आई मीन एक बार आलिया भट्ट के लिए हो जाए यार. इतने छोटे पैकेट में इतना बड़ा टैलेंट माशाल्लाह. एक और गाना है आलिया उसके लफ्जों में भी बहुत दर्द है और जो गाता है वो भी गली बॉय गलियों में फिर के ये गाता है. मारा मारा जब किसी का दिल टूटता है ना उसके लफ्जों में दर्द आ जाता है और गली गली में फिर के ये गाना गाते हैं. सुनेंगे आप? ओ भाई वो गाना सुनाना. ओ मेरे गली बॉय. फीलिंग आ गई. वाह वाह शुक्रिया शुक्रिया. ये बाजी आपकी शरारत नहीं ये तो बैठा रहता पीछे ऐसे बालों में बांध के अपने लंबे लंबे बाल. यार राजधानी एक्सप्रेस का टाइम होगा तो गा जाके. जोरदार तालियां आलिया और रणवीर के लिए. ओ बच्चा ब्रो हार्ड 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 पोता बहुत हार्ड. रणवीर सिंह आलिया भट्ट मेरी गली में. सर सर यो यो आपको देख के ना इतना खुशी हो रहा है बता नहीं सकते आप दोनों. दिख रहा है आपके सर पे खुशी दिख रहा है. देखिए यार ये जब बहुत खुश होता है ना तो इसकी पूंछ खड़ी हो जाती है. वैसे रणवीर जी गुलु 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 गुलु. बच्चा ये क्या कर रहा है? अरे हम इनको गुलू गुलू करेंगे तो आलिया जी हमें धोपेंगे चिल्लाए. वैसे आलिया जी आप यहाँ पर आए हैं हमारी गली के जितने मच्छर हैं ना उनकी कसम खा लीजिए. क्यों? मर जाएंगे यार. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.